स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। आरएसएस के पास दिमाग जीरो पर मुसलमानों से नफरत 100%, मोहन भागवत पर ओवैसी का पलटवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने 2 दिन पहले देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश के तहत वर्ष 2030 से मुस्लिम आबादी को बढ़ाने का संगठित प्रयास किया गया है। भागवत के इस बयान पर अब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तगड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि आरएसएस के पास जीरो दिमाग है और मुसलमानों से नफरत 100% है। ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर लगातार 2 ट्वीट कर मोहन भागवत पर तीखा प्रहार किया है। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, आरएसएस के भागवत का कहना है कि 1930 से मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारा डीएनए एक ही है तो हम गिनती क्यों कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में 1950 से 2011 के बीच सबसे तेज गिरावट देखी गई है। संघ के पास जीरो ब्रेन है, 100% मुसलमानों से नफरत है। मैट्रिक पास इन 50,000 छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपये, शिक्षा विभाग ने जारी की राशि। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग के 50,114 विद्यार्थियों के लिए 50,11,00,000 जारी किए हैं। इस वर्ग के सभी विद्यार्थियों को 10,000 रुपये के मान से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और भाषी अल्पसंख्यक बंगला के छात्र छात्राओं को यह राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभुक अभ्यर्थियों के खाते में जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान उठाया पार्टियों का झंडा बैनर तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग सख्त। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट अपने पार्टी का झंडा और बैनर साथ ना रखे। आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाए। वहीं निर्देश में कहा गया है कि इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान किया है, एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति नहीं दिया गया है। इसके साथ ही एक ही प्रस्तावक नामांकन के समय मान्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर इस प्रकार के एहतियात बरतने पर जोर दिया है। बिहार में पैरासिटामोल की खपत बढ़ी। मुजफ्फरपुर में रोज बिक रहे करीब 2,00,000 टैबलेट। वायरल और टीकाकरण के बाद होने वाले फीवर के कारण पिछले 12 दिनों से पैरासिटामोल की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना टीकाकरण शुरू होने के बाद पैरासिटामोल की बिक्री 2 गुनी बढ़ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वायरल फीवर के कारण विभिन्न कंपनियों का पैरासिटामोल की बिक्री सबसे अधिक है। शहर के होलसेल कारोबारियों की माने तो पहले करीब 5,000 स्ट्रिप यानी 50,000 टैबलेट पैरासिटामोल होलसेल बाजार से निकला करता था, लेकिन अब करीब 2,00,000 टैबलेट रोज होलसेल बाजार से निकल रहा है। नगर पंचायतों के नवगठन से बदला मुजफ्फरपुर का परिसीमन। अब 5,108 वार्ड और 532 पंचायत समिति सदस्यों का होगा चुनाव। जिले में 7 नई नगर पंचायतों के गठन के बाद एक दर्जन से अधिक पंचायत का परिसीमन बदलने से इस बार जिले में मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य का सीट कम हो गया है। मुखिया व सरपंच के लिए इस बार 373 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि 2016 में 385 सीटों पर चुनाव हुआ था। पंचायती राज कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वार्ड सदस्य व पंच के लिए 5,108 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार के स्कूलों को संबद्धता और एनओसी लेना हुआ और आसान। ई संबंधन पोर्टल का हुआ लोकार्पण। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ई संबंधन पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके जरिए अब बच्चों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों की संबद्धता और CBSE और ICSE बोर्ड के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार पहुंची ईवीएम, अगस्त तक जारी हो सकती है अधिसूचना। पंचायत चुनाव को लेकर करीब 1,50,000 ईवीएम बिहार पहुंच चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में 10 फेज में पंचायत चुनाव होने हैं। हर फेज में प्रत्येक जिले में 2 प्रखंड में चुनाव होना है, जिसमें करीब 15,000 बूथ होंगे और पंचायती राज व्यवस्था के 4 पदों के लिए 4 ईवीएम रखे जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग को करीब 60,000 ईवीएम की जरूरत होगी। आयोग की प्लानिंग के मुताबिक पहले फेज के ईवीएम का इस्तेमाल तीसरे फेज में किया जाएगा।
बिहार में कोचिंग खोलने को मिल सकती है मंजूरी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले सशर्त इजाजत पर हो रहा विचार। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि माध्यमिक कक्षाओं को खोलने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग खोलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि यह अनुमति सशर्त होगी। उन्होंने साफ किया है कि इसका अंतिम निर्णय 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली बैठक में लिया जाएगा। मुकेश सहनी के यूपी मिशन को झटका, फूलन देवी की मूर्ति उठा ले गई बनारस पुलिस, जानिए वजह। यूपी मिशन में जुटे बिहार सरकार के मंत्री और सन ऑफ मल्लाह नाम से मशहूर मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दरअसल 25 जुलाई को मुकेश सहनी की पार्टी पूरे राज्य में फूलन देवी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाने में जुटी है। इसी कड़ी में खुद मुकेश सहनी वाराणसी में फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण 25 जुलाई को करने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने आज मूर्ति को जब्त कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी पुलिस ने शहर में लगने वाली सभी प्रतिमा को जब्त कर लिया है। पुलिस ने परमिशन नहीं होने की बात कहकर प्रतिमाओं को जब्त किया है। वहीं इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वीआईपी के नेताओं द्वारा थाने पर जमकर नारेबाजी भी की गई है। गांव मोहल्ला किस खास बुलेटिन में आज के लिए इतने। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।